भी भर्ती नहीं हो सकता, हमने सिस्टम ऐसा बनाया है। तो इन दलालों से और इन लोगों से बचे और अपने सभी साथियों को बताएं, अगर कैंडिडेट ने ट्रेनिंग, हाँ इंस्टीट्यूट में जाइए, ट्रेनिंग लीजिए, गाइडेंस लीजिए, रिटर्न एग्जाम की तैयारी करिए, दौड़ने की तैयारी करिए आप। लेकिन अगर वो कहे कि मेरे कुछ करने से भर्ती हो जाएगा, वो नहीं हो सकता, वो आपके करने से होगा। आप दौड़ोगे तो भर्ती होगे। जब आप दौड़ने के लिए आते हो तो टांगे तो अपनी लेके आते हैं अंदर ना, दलाल की टांगे तो नहीं लेके आते अंदर कि जब वहां से दलाल ने भेजा, बोला बेटा मेरी टांगे ले जा, इसमें मैंने कुछ डाला हुआ है, तू पास हो जाएगा। दौड़ते खुद हो। मेडिकल के लिए कौन खड़ा होता है? आप खड़े होते हो, कोई और खड़ा नहीं होता आपके सामने। और जब आप फिजिकल टेस्ट देते हो, आप बीम लगा रहे हो, क्या आपको पीछे से कोई मदद करता है बीम लगाने के लिए? तो फिर दलाल कैसे मदद कर सकता है आपकी? कर ही नहीं सकता, वो कोई गुंजाइश नहीं है उसकी, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाता है। जितने कैंडिडेट हमारे पास आते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास 35-40 हज़ार कैंडिडेट आए थे, उनको पता रहता है कि कौन कैंडिडेट भर्ती हो सकता है, किसमें काबिलियत है, और जिसमें काबिलियत होती है सबसे बड़े बेवकूफ उन्हीं को बनाते हैं, और वो बनते भी हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको ये बताने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए कि दलाल कुछ नहीं करते, मेरे पास कुछ कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो इस भर्ती में बिल्कुल फिट हो गए हैं, मेडिकल भी पास हो गए हैं, वो सिर्फ उनको रिटर्न एग्जाम जो है अभी देना है, और उसमें जो है उनको पास होना है या मेरिट में आना है। वो लड़के हैं, इनमें कुछ लड़के ऐसे हैं जो पहली बार भर्ती के लिए आए थे, और कुछ ऐसे लड़के हैं जो तीसरी बार आए थे भर्ती के लिए। तो मैंने उनसे पूछा, बेटा आप तीसरी बार आए हो, आप कैसे हुए इस बार भर्ती? बोला सर मेहनत करनी पड़ी, पहले मेहनत कम करी थी, इस बार मेहनत ज़्यादा करी तो हम पास हो गए। मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ भी बोलूँगा।